तो चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं एक बढ़िया सा और सिंपल सा इजी टेक्निक के साथ आईज मेकअप लुक। तो ये आईज मेकअप जो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी टेक्निक से मैंने इसमें बताया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा और बहुत इजी सी टेक्निक आप इसमें सीखने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर D34 किया है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो डर्मा का क्राइलोन का आता है उससे किया है। और उसके बाद मैंने FS36 लगाया है क्योंकि इनका थोड़ा फेयर मीडियम टू फेयर कलर है। तो हमारा क्राइलोन की जो पेन स्टिक होती है वो वाला मैंने यहाँ पर दिया है इसके नीचे। तो उसके बाद मैंने बेस इनका बनाया है, मैंने FS36 और प्लस मिला है FS27 थोड़ा सा मिक्स करके। तो इनका जो कलर टोन था बहुत अच्छे से कवर हो गया था। उस आई बेस पर भी मैंने वही जो क्राइलोन की पेन स्टिक है FS36 वही लगाई है बेस के लिए, ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊंगी तो मेरे जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर दिखाई दे और उनकी प्रॉपर ब्लेंडिंग भी हो और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी और स्टे करेंगे लॉन्ग टाइम तक, ताकि जब भी हम लोग आई मेकअप करते हैं तो हमें बेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बेस से ही हमारा जो आई मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और लंबे टाइम तक टिकता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग बेस बना लेते हैं, वही मैंने आईज पर भी किया है और पूरे फेस पर मैंने वही किया है क्राइलोन की पेन स्टिक से। इसमें मैंने जो क्राइलोन की पेन स्टिक यूज किया वो है FS36 और FS27 दोनों को मिक्स करके। 27 मैंने बहुत हल्का सा मिक्स किया है क्योंकि कलर फेयर ही था, और FS36 में मैंने हल्का सा FS27 मिलाया है क्योंकि फेयर टू मीडियम यही जाता है कलर। उसके बाद मैंने यहाँ पर आईज मेकअप किया है। तो फटाफट से मैं आपको आईज मेकअप बता देती हूँ। आईज मेकअप के लिए लिया है मैंने यहाँ पर पिंक कलर, क्योंकि इनके लहंगे के अंदर दो कलर मेन थे, एक तो ग्रीन कलर का लहंगा था उसमें पिंक कलर के फ्लावर थे। क्योंकि पिंक कलर लाइट शेड है तो मैंने इसे पूरे अपने क्रीज एरिया तक ब्लेंडिंग किया है पूरी आईज के ऊपर, और आउट कॉर्नर पर जो लगाया वो लगाया मैंने ग्रीन का ही कलर, ताकि मेरे जो आउट कॉर्नर पर एक स्मोकी सा लुक आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग ग्रीन कलर का लहंगा मतलब है आपका, तो इस तरीके से आप लोग ग्रीन आउट कॉर्नर पर और जिस भी कलर के उसमें फ्लावर है इस तरीके से पूरे एरिया पर ब्लेंड करके बहुत अच्छा से एक नया टेक्निक के साथ लुक दे सकते हैं। और मैंने आई बॉल पर लगाया है डल गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड जब तक हमारी आईज पर नहीं लगता है तो हमारी आईज जो है हाईलाइट नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कलर लगाए हैं और मेरा आईज मेकअप जो है कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 3 कलर लगाए हैं। इसमें मेन क्या है कि मैंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से किया, और ब्लेंडिंग के लिए मैंने जो ब्रश यूज किए हैं वो किए हैं पैक के, क्योंकि हमारे ब्रश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कोई भी कलर लगा लो, कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, आईज मेकअप अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग प्रॉपर होगी तो ही आईज मेकअप हमारा अच्छा होता है। तो इसी तरीके के मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ और आई टेक्निक के वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, और हेयर कट्स के वीडियोज़ हैं काफ़ी सारे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, फुल डिटेल में बताती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय।